Let's improve English. Ever wondered why you can't speak like the people by whom you're immensely impressed? You know how to speak English, you know how to make sentences, but you don't sound like them. Why does that happen? It happens because you probably don't use the type of phrases or idioms that they might use in their speech. So friends, here in this video for you, I've compiled a list of example sentences with which I'm gonna teach you the type of phrases or idioms that they use. And you can also start using them. and and start sounding more impressive and fluent, as they do. So friends, इस वीडियो में मैं न केवल आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश को इफेक्टिव और स्टाइलिश तरीके से कैसे बोलते हैं जो सबको अच्छा लगता है दैट मेक्स यू साउंड इम्प्रेसिव सो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना मैंने काफी मेहनत करके ऐसे फ्रेजेस और एडियम्स को आपके लिए ढूंढा है जिनको आप यूज करना शुरू कर सकते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बात को एक एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल कैजुअल वाला या थोड़ा अच्छे वाला सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड जैसे आपके सामने ये सेंटेंस है तुम्हें तो उससे माफी मांगनी चाहिए इसे आप कैसे कहेंगे You should apologize to him. You should apologize to him. But a better alternative to this sentence is, "You owe him an apology." You owe him an apology. This is another way to say the same thing. But यहाँ पर अगर आप इस वे से बोलते हैं यू साउंड मोर इम्प्रेसिव सोफिस्टिकेटेड एंड पॉश यू ओ हिम एन एंडी मतलब इसका वही है कि आपको उससे माफी मांगनी चाहिए तुम मुझे नापसंद क्यों करते हो यू माइट से वायर यू लाइक मी वायर यू डस्ट लाइक मी हावेर यू कैन से वायर यू थिंक बैडली ऑफ मी सो फ्रेंड्स जो सेंटेंसेस मैं पहले बता रहा हूं नथिंग रॉन्ग विद इस पहले वाले लाइन में कुछ गलत नहीं है ग्रामेटिकली सही है सब कुछ सही है पर फिर भी थोड़ा और बेटर तरीके से और स्टाइलिश वे में मॉडर्न तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ वायर डू यू थिंक बैडली ऑफ मी इसका भी ये मतलब है मुझे नापसंद क्यों करते हो लेकिन ये एडवांस्ड इंग्लिश है ये ज़्यादा बेटर आपको साउंड कराती है इसकी जगह पर आप इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं डिस्पाइज डिटेस्ट डू यू डिस्पाइज मी डू यू डिटेस्ट मी तुम दिन पे दिन और नटखट होते जा रहे हो जैसे हम किसी बच्चे को कह रहे हैं यू आर गेटिंग नॉड ईयर डे बाय डे नॉटी की कंपेरिटिव डिग्री होती है नॉड ईयर यू आर गेटिंग नॉट ईयर डे बाय डे दिस इज कम्प्लीटली ग्रामेटिकली करेक्ट बट आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ट्रबल सम बाय द डे ट्रबल सम शरारती नटखट को हम ट्रबल सम भी कह सकते हैं जो बार बार ट्रबल क्रिएट करता है आप कह सकते हैं यू आर गेटिंग मोर एंड मोर मिसबिहेविंग और डिसबीडियंट बाय द डे सिर्फ बाय द डे कहने का मतलब है दिन पर दिन धीरे धीरे करके ऐसा हो रहा है मैंने उसे ढूंढ निकाला यू माइट से आई फाइनली फाउंड हिम दिस सेंटेंस इज करेक्ट लेकिन इसको कहने का और बेटर तरीका है आई फाइनली ट्रैक्ट हिम डाउन आई फाइनली ट्रैक्ट हिम डाउन इफ यू ट्रैक समथिंग और समाउन इट मीन यू फाइन दैट थिंग और दैट पर्सन आई फाइनली ट्रैक हिम डाउन लेट सी अनदर एक्सम्पल

अराउंड का मतलब होता है to come back to one's senses, होश आ जाना to become conscious again, when will he come around? मुझे रोहित 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 पे शक हो रहा है है आप शायद कहें I doubt रोहित, I doubt रोहित। इसको कहने का काफी बेटर तरीका है, There's something off about रोहित। अगर आप कहते हैं देर इज समथिंग ऑफ अबाउट रोहित यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मुझे रोहित पर शक है आप कह सकते हैं आई एम सस्पिशियस स्केप्टिकल doubtful about rohit i am suspicious skeptical or doubtful about rohit yani rohit ke upar mujhe i think he's up to no good he has something evil in his mind pata nahi mujhe kya ho tha sometimes you do something horrible and later realize that it was a horrible thing to do then you might say something like this pata nahi mujhe kya ho tha you might say i don't know what happened to me i don't know what happened to me this is fine this is grammatically correct but it's not as impressive as it could be you can say the same thing like i don't know what came over me i don't know what came over me this conveys the same meaning but in a more effective way i don't know what came over me. keep quiet i am working keep quiet i am working but instead of saying keep quiet you can say.

स्नैप का मतलब किसी पर एकदम से गुस्सा हो जाना एकदम से चिल्लाना भी होता है स्नैप एट समवन स्नैप योर फिंगर्स उसका मतलब होता है चुटकी बजाना लेकिन स्नैप का एक और दूसरा मतलब होता है एकदम से गुस्सा हो जाना एकदम से चिल्लाना इट हैज अदर मीनिंग्स आई डिडेंट मीन टू स्नैप एट यू तो शाउट की जगह आप स्नैप बोल दो यू विल साउंड मच मोर इम्प्रेसिव मेज पर से अपनी सब चीज़ें हटाओ या तो आप कहेंगे रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द टेबल up or a take all your things off the table. Take all your things off the table. This is more common among people. People speak like this. People use phrasal verbs when they speak. You can also start doing the same. It's not rocket science. It's like a walk in the park, trust me. So friends, this is all I had for you today. That's it for this video. I hope you liked it. If you did, make sure to subscribe to this channel if you haven't already. फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा और आपकी इंग्लिश बहुत कमाल करेगी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना शेयर करना अमंग द पीपल हु माइट फाइंड इट यूजफुल थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना